अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम अपने ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे टेंस की लास्ट टाइप है। मैंने आपको सारे पिछले लेक्चर बहुत डिटेल से समझाए, होपफुली आप सबको समझ आ गए होंगे। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हमारे पास अपना लास्ट टेंस है और आज हमारे ग्रामर का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे लास्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास सेंटेंस की थ्री टाइप होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव टाइप डिस्कस करेंगे। इस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आई और वी के साथ हमारे पास शैल लगता है और बाकी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम वी लगाते हैं। इसमें हम आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं और जो बाकी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विल यूज करते हैं। मतलब आई और वी के अलावा जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिनके सबके साथ हम विल यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे और जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम विल यूज करेंगे। मैंने ऑब्जेक्ट लिखे थे सब्जेक्ट्स, उनके साथ हम विल यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट इसमें हमारे पास आई है। विल और शैल में से हमने सेंटेंस में कोई भी एक यूज करना है। हमने सब्जेक्ट आई यूज किया तो आई के साथ हम शैल लगाते हैं, तो हमने शैल यूज कर दिया। प्लस हैव प्लस बीइंग हमने एज इट इज पुट कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास राइट है, हमने साथ आईएनजी पुट करना है राइटिंग और ऑब्जेक्ट हमारे पास अ लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल है, दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। सब्जेक्ट हमारे पास दे है, विल हमने यूज कर दिया क्योंकि मैंने कहा था आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम विल यूज करेंगे। आई यू शी नहीं यूज किया, हमने दे यूज किया है तो फिर दे के साथ हम विल पुट करेंगे। प्लस हैव बीन भी हमने एज इट इज पुट कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास प्ले है, प्लस आई एन जी कर दिया, फुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेक्स्ट टाइप हमने सेंटेंस की बनानी है नेगेटिव। नेक्स्ट टाइप हमने अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा कौन सी टाइप है, ये नेगेटिव टाइप है। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमने क्या चेंज लगे, सिर्फ विल और शैल के बाद हमने नॉट लगा दिए, बाकी सारा फॉर्मूला हमारे पास सेम है। आई यू बी के साथ शैल यूज करेंगे और जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम विल यूज करेंगे। एग्जांपल देखें, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट हमारे पास आई है, विल और शैल में से हमने कोई भी एक यूज करना है। शैल आपको ऑलरेडी पहले बता चुके, इसमें चेंजिंग की आई है, हमने शैल के बाद नॉट पुट कर दिया, यहाँ पे हमने विल के बाद नॉट पुट कर दिया, तो हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारे पास फॉर्मूला होगा विल और शैल हम स्टार्ट पे लगा देंगे। स्टार्ट पे हम क्या लगा देंगे, बाकी में हम सब्जेक्ट प्लस विल और शैल लगाते थे जिसमें हम विल और शैल को स्टार्ट पे कर देंगे। इसमें क्या चेंजिंग आएगी, विल और शैल को हम स्टार्ट पे कर देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग। विल और शैल में से कोई जो भी यूज करेंगे हम स्टार्ट पे कर देंगे मीन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं, शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आई यूज किया तो शैल यूज कर दिया, इन दोनों को सब्जेक्ट और विल और शैल को हमने आप इसमें रिप्लेस कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और लास्ट में हम क्या पुट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसमें बस विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे यूज किया था तो हमने विल यूज किया साथ उसके, और विल को हमने स्टार्ट में कर दिया, दे को हमने सब्जेक्ट को हमने सेकंड पे कर दिया, आप इसमें चेंज कर दिए विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। होपफुली फ्रेंड्स, आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये हमारे टेंस की लास्ट टाइप थी, मैंने पिछले सारे टेंस आप सबको बहुत ही डिटेल से समझाए हैं और ये लास्ट टेंस था, मैं आपको ये बहुत डिटेल से समझाया है। लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पिछले टेंस में से कोई टेंस समझ नहीं आता तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप वीडियो फुल देखेंगे तो आपकी कोई भी क्वेरी लेफ्ट नहीं रहेगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।